हेलो एवरीवन। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं हमारा राजस्थान क्लास 8th चैप्टर नंबर 10, राजस्थान में कला एवं संस्कृति। तो जिसमें हमने दुर्गों के बारे में बात कर ली थी, दुर्गों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में, वो सभी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोग जो हैं वो साथ में ही रिवाइज भी कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने कोर्स लिया है, पीडीएफ उन लोगों को मिल जाएगी। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है, तो इनको नोट डाउन करिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 30, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बुक से ही होंगे, इन बुक से ही होंगे, किसी गाइड से नहीं बनेंगे, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन 30 देखिए। मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है? मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है? तो गुप्त काल से ही माना जाता है। जगदीश मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, अंबिका मंदिर, ऋषभदेव का जैन मंदिर, तो ये कहाँ है? तो मैंने एक ही जगह पर ये सभी लिख दिए हैं कि उदयपुर में है जगदीश मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, अंबिका मंदिर और ऋषभदेव का जैन मंदिर, ठीक है? ऑप्शन में यदि उदयपुर ना होकर मेवाड़ आ जाए, तो आप मेवाड़ को सही करेंगे, क्योंकि उदयपुर मेवाड़ में ही आता है। श्रीनाथ जी का मंदिर चार भुजानाथ मंदिर कहाँ है? श्रीनाथ जी का मंदिर चार भुजानाथ मंदिर कहाँ है? तो ये जो मंदिर है वह राजसमंद में है, ठीक है? याद रखें, ये मंदिर कहाँ है? राजसमंद में। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर हैं, तो मेवाड़ के प्रमुख मंदिर क्या रहेंगे? उदयपुर में जो हमने पढ़े, राजसमंद में हमने पढ़े, जगदीश मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, अंबिका मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर, एकलिंग जी मंदिर, ऋषभदेव जैन मंदिर और चार भुजानाथ मंदिर कहाँ पर है? ये मेवाड़ में है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही उठकर आते हैं, हर बार क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, हर साल बोलती हूँ, ठीक है? जो बच्चे ध्यान देते हैं बात पर, तो वो लोग कर जाते हैं, मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और जब मार्क्स अच्छे आते हैं, तब आप लोग बोलते हैं कि मैम आपने सही बताया। और जो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग जान लीजिए, जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो इन्हीं चैप्टर में से आएंगे। आप लोग RBSE की बुक पढ़ लीजिए, NCERT में हमारा राजस्थान बुक जो है वह पढ़ लीजिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। किसी भी गाइड से कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया जाता है। कोई भी स्टेट की बात कर ले, तो जहाँ उस स्टेट में जो बुक चल रही है स्कूल में, ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन जो है वो आपके बुकों से ही बनाए जाते हैं। गाइड का सहारा कोई भी एग्जामिनर नहीं लेता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है कि मारवाड़ के प्रमुख मंदिर हैं देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, किराड़ू का मंदिर और ओशिया का मंदिर। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मारवाड़ में है, लेकिन मारवाड़ में भी देलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में, आबू पर्वत सिरोही में स्थित है देलवाड़ा जैन मंदिर। वहीं पर हमने ऋषभदेव का जैन मंदिर देखा था, तो वह मेवाड़ में है, उदयपुर में। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह पाली जिले में है। अब देखिए, याद ऐसे ही किया जाता है, या तो आप ऐसे याद कर लें मेवाड़ के सभी प्रमुख मंदिर, या आप ऐसे याद कर लें कि प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं। तो ऋषभदेव का जैन मंदिर उदयपुर में है, वहीं हमने देलवाड़ा जैन मंदिर देखा सिरोही में है, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है? किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर जो है वह कहाँ है? बाड़मेर में। ओशिया का मंदिर कहाँ स्थित है? ओशिया का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मारवाड़ में ही है, और मारवाड़ में जोधपुर में ओशिया का मंदिर स्थित है, ठीक है? वीडियो जो है वो मैं बिल्कुल छोटे ही बनाती हूँ। उसका रीजन क्या होता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा वीडियो यदि बना दिया जाए, तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं रहता है, और आप लोगों को याद भी नहीं होंगे। हाड़ोती के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? हाड़ोती के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? तो यहाँ पर बारडोली मंदिर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है, भंडेवरा बारा जिले में है, कसवा मंदिर कोटा में है, कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में है, सूर्य मंदिर जो है वो झालरापाटन झालावाड़ में है, ठीक है? तो कंसवा मंदिर या कंसुआ मंदिर भी कहा जाता है, जो कहाँ है? कोटा में। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है?
तो यह सीकर जिले में है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि शेखावटी का मंदिर है ये खाटू श्याम जी का मंदिर, क्योंकि शेखावटी क्षेत्र में आ जाता है चूरू सीकर झुंझुनू। ठीक है, शेखावटी के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? तो यहाँ पर एक तो खाटू श्याम जी का मंदिर हमने देख लिया सीकर में है, आभानेरी मंदिर दौसा में है, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। आभानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। शाक्य देवालयों में या शाक्त देवालयों में किसकी मूर्तियों की प्रधानता है? तो यहां पर महिषासुर मर्दिनी इन मूर्तियों की प्रधानता है। ठीक है, राजसम्मत का मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, और देखिए छोटी क्लास है 8th क्लास, तो सोचिए कितने इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो राजसम्मत का मोलेला गांव जो कि मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी की मूर्ति जो होती है उनको आग में पकाकर बनाने की कला, इसको क्या कहा जाता है? तो इसे जो है टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? टेराकोटा। कहाँ की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध है? कहाँ की हवेलियां जो है वो प्रसिद्ध है? तो जयपुर की हवेलियां जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो चित्रकारी है, जो कलाकृति है, उसके कारण हवेलियां जो हैं कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जयपुर की। सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, चार ऑप्शन हो जाते हैं, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, ठीक है, पटवों की हवेली, रामगढ़ की हवेली। तो ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? रामगढ़ की हवेली, जो कि जैसलमेर की नहीं है। ठीक है, तो ये जो तीनों हवेलियां हैं वो कहाँ की हैं? जैसलमेर की। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा और लक्ष्मणगढ़ की हवेलियां कहाँ हैं? तो शेखावटी क्षेत्र की हैं ये प्रसिद्ध हवेलियां। छतरियां तथा देवल किसे कहते हैं? छतरियां तथा देवल किसे कहते हैं? तो राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए जाते हैं उनको छतरियां कहते हैं और देवल कहते हैं। ठीक है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो बूंदी की प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो इनकी छतरी जो है वह अलवर में है और यह 80 खंभों की छतरी बनी हुई है। ठीक है, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो गोपाल सिंह की छतरी जो है वह करौली में स्थित है। सेठों की छतरी कहाँ स्थित है? सेठों की छतरी जो है वह रामगढ़ में स्थित है, रामगढ़ जो कि शेखावटी में आता है। ठीक है, तो रामगढ़ में सेठों की छतरी प्रसिद्ध है। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो जयपुर में, गैंटोर में, नाहरगढ़ जयपुर में ईश्वरी सिंह की छतरी है। जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? जोधपुर में, और सरदार सिंह द्वारा जो है इसे निर्मित करवाया गया। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर हैं? बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर हैं? तो बड़ा बाग की छतरियां जो है वो जैसलमेर में हैं और भाटी शासकों की ये छतरियां हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे, और इसके बाद थोड़े से ही क्वेश्चन जो हैं वो बाकी हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक इनको रिवाइज करिएगा। थैंक यू।